गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए कुछ करंट अफेयर देखते हैं जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यूरोप के बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस वीवा टेक में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया। इसको अटेंड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी कर रहे थे और इन्होंने कहा कि ये ग्रेट ऑनर है इंडिया के लिए। इसके अलावा एम्बेसडर ऑफ फ्रांस टू इंडिया ने भी कहा कि ये साइन है कि इंडिया अब इनोवेशन की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा सेकंड न्यूज़ की बात करें तो परमेश्वरन अय्यर को, जो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को लेड किया था, अब नीति आयोग का सीईओ बना दिया गया है। ये 1981 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और अब इन्हें नीति आयोग का सीईओ बना दिया गया है 2 साल के लिए, और ये सक्सीड करेंगे अब अमिताभ कांत का, जिनका टेन्योर 30 जून को ख़त्म हो रहा है। थर्ड न्यूज़ की बात करें तो अमेरिकन सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने अब जापान के फुगाकू को पीछे छोड़ के फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड बन गया है। ये लिस्ट 2 साल से जापानी कंप्यूटर फुगाकू टॉप कर रहा था, लेकिन इस साल अमेरिकन सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने इसे टॉप किया है। इसके बाद इंडिया का ग्लोबल रैंक ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 रहा, 180 कंट्री में लास्ट प्लेस पर इंडिया रहा। और इसमें अगर बात करें अपने पड़ोसी देशों की, पाकिस्तान बांग्लादेश की, तो रैंक 176 और 177 रही। और नेपाल 162 पे रहा, श्रीलंका 132 पे रहा, भूटान की रैंक 85 रही और अफगानिस्तान की रैंक 81 रही। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव इंडेक्स भी आया जिसमें इंडिया की रैंक 6 प्लेस जंप की है और अब इंडिया 43 से बढ़ के 37 पे आ गया है। इसके अलावा अगर टॉप की बात करें तो टॉप 10 कंट्रियां हैं डेनमार्क, इसके बाद स्विट्ज़रलैंड, फिर सिंगापुर, स्वीडन, हांगकॉन्ग, नदरलैंड, ताइवान, फिनलैंड, नॉर्वे और US। लास्ट न्यूज़ की बात करें तो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप अब US, कनाडा और मेक्सिको होस्ट करेगा और यहाँ टोटल 16 वेन्यू और या सिटी चूज़ की गई हैं, जिसमें से 11 वेन्यू US में है, 3 वेन्यू मेक्सिको में है और 2 कनाडा में है। और टोटल टीम बढ़ा के अब 48 हो गई हैं जो इस कंपटीशन में खेलेंगी, जो पहली बार हो रहा है, और टोटल 60 मैच यहाँ खेले जाएंगे। अगर इन वेन्यू की बात करें तो इसमें लॉस एंजेलिस, मेक्सिको सिटी जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री भी शामिल हैं। थैंक यू।